अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सर्दियों की सौगात मटर पुलाव, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर पुलाव की सिंपल और आसान सी रेसिपी। कम मसालों में इतना खुशबूदार और खिला खिला पुलाव कि आपकी नाराज पड़ोसन भी पुलाव का राज पूछने आ जाएगी आपसे। इसके अलावा जी, इस पुलाव के साथ हम बनाएंगे मज़ेदार आलू के चटनी टिक्का कबाब, जो आज से पहले आपने नहीं बनाए होंगे। तो सर्दियों में इतना मज़ेदार और आसान मेन्यू आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, कैसे बनेगा ये मज़ेदार मेन्यू। रेसिपी पसंद आया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब यहाँ पे आपने बात समझनी है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 750 ग्राम बासमती चावल, किसी भी ब्रांड के ले लें, जो भी आप अपने घर में यूज़ करती हैं। लेकिन बस आपने क्या करना है, इनको 15 मिनट के लिए आपने भीगने के लिए रखना है। अब यहाँ पे हम पुलाव की कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3/4 कप हम डालेंगे ऑयल। पुलाव में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला करें, पुलाव अच्छा मज़ेदार बनता है। 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इससे हमारा पुलाव अच्छा खुशबूदार बनेगा। 2 दालचीनी स्टिक्स हैं, 2 बड़ी इलायची है, 10 से 12 साबित काली मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद जीरा है, 2 बादियान के फूल हैं, 6 लौंग हैं। ठीक है, जब तक साबित मसाले पुलाव में नहीं जाते पुलाव खुशबूदार नहीं बनता है। 2 तेज़पत्ते और 5 से 6 हम हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे जी, पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए टिप नंबर 1 है कि आपने इन मसालों को और लहसुन अदरक को फ्राई करना है। 2 मिनट हम लहसुन अदरक को मसालों को फ्राई करेंगे। जब लहसुन अदरक की अच्छी आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद हम इसमें मटर डालेंगे। तकरीबन 500 ग्राम या फिर 2 कप भर के मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं मटर को भी अच्छा फ्राई कर लूँगी तकरीबन 2 मिनट तेज़ आंच पे, ताकि मटर इन सारे मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएं और जो फ्लेवर है इन साबित मसालों का वो मटर के अंदर तक चला जाए। अब देखें, ये बहुत ही बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं मटर हमारे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। देखें, 750 ग्राम मेरे पास चावल है, तकरीबन 4 कप, और इसमें मैं पानी डालूँगी तकरीबन 3 गिलास, क्योंकि हम चावलों को कम भिगो रहे हैं तो पानी हम इसमें ज़्यादा डालेंगे। जब पानी में अच्छा बॉयल आ जाएगा, तो देखें अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो मैं इसमें नमक डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो चावल हमने भीगने के लिए रखे थे। अब मैंने इनको धो लिया है, बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो ये धुले हुए और भीगे हुए बासमती चावल इसमें जाएंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए, दूसरा तरीका ये है कि जब हम चावल इस तरीके से मिक्स करते हैं तो ये चावल मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। आँच को तेज़ रखा हुआ है और चावलों में बॉयल आ चुका है। अब अच्छे नरम अगर आपको चावल चाहिए तो आँच को तेज़ करके कवर करके हमने इस पानी को ड्राई करना है। इससे आपके चावल कभी भी अकड़े हुए नहीं बनेंगे, अच्छे नरम सॉफ्ट बनेंगे। ऊपर की लेयर स्पेशली सख्त बनती है, तो वो चावल भी आपके नरम बनेंगे। तो ये देखें, अब पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी थोड़ा सा तकरीबन आधा कप जितना पानी इसमें मौजूद है। अब हम इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट मीडियम आँच पर हम इसको रखेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद हल्की आँच करके टोटल 15 मिनट हमने इन चावलों को दम पे रखना है। अब जब तक चावलों में दम आ जाता है, तो यहाँ पे जी हम मज़ेदार आलू टिक्का कबाब बनाएंगे। और इसके लिए तकरीबन 200 ग्राम मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है। ठीक है, बोटियाँ छोटी बड़ी जो मर्जी है आप रखवा लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपको चटपटे कबाब चाहिए तो आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर इसमें जाएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, हम कबाब बना रहे हैं तो यहाँ पे दही डालने की ज़रूरत नहीं है, बगैर दही के हमने चिकन को मैरिनेट करना है। ठीक है, अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे, सारे मसाले चिकन पे अच्छे लग जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट के लिए आप इसको रख दें, नहीं है मेरी तरह तो बस हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पैन लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, और ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन हम इसमें डालेंगे। अब ये जो मसाला लगा हुआ है हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसी में थोड़ा सा पानी डाल के इस चिकन में डाल देंगे। ठीक है, अब आंच को मीडियम रख के हम इसको पकने के लिए रख देंगे, जब तक चिकन गल नहीं जाता या पानी ड्राई नहीं हो जाता। चाहे तो आप कवर कर दें, चाहे तो आप ऐसे ही पकने के लिए रख दें, बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बेहतरीन गल चुका है, पानी अभी भी मौजूद है। मैं क्या करूँगी, आँच को तेज़ करूँगी, चम्मच की मदद से इस तरीके से तोड़ती जाऊँगी, इसको भूनती जाऊँगी, और इस पानी को हमने ड्राई करना है। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैं चिकन तोड़ती जा रही हूँ, क्योंकि ये अच्छा गल चुका है तो ये आराम से टूट जाएगा। और पानी भी देखें, अब सारा का सारा तकरीबन ड्राई हो चुका है।
अब यह चिकन रेशा रेशा हो चुका है। अब इसी पॉइंट पे मैं चार मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू डाल दूंगी। आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया है मैंने क्योंकि पानी नहीं है, तो बस हम इसी तरीके से आलू भी तोड़ते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए मैश किए हुए आलू भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसी मसाले के साथ इसको भूनती भी जा रही हूँ और आलू भी तोड़ती जा रही हूँ। तो ये देखें, अब ये बेहतरीन मसाला तैयार हो चुका है। ये जो मसाला पकता है ना, तो ये पके हुए मसालों का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और बड़ा यूनिक फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें तीन कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना डालूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर डालूंगी और एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज इसमें डाल दूंगी, ठीक है। आँच अब मैंने बंद कर दी है, मसाला गर्म है, तो बस इसी गर्म मसाले में इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। अब देखें, ये बेहतरीन चटपटा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार ये कबाब तैयार होते हैं। तो अब देखें, इस तरीके का जब मसाला तैयार हो जाएगा तो अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हाथ पे मैं थोड़ा सा लगा लूँगी ऑयल, या फिर आप पानी भी लगा सकते हैं और इसके कबाब बना लेंगे, ठीक है। आलू के कबाब बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन ये जो मसाला हम पका के ये जो कबाब बनाते हैं, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकलता तो है। अब देखें, ये इस तरीके से हम इसकी टिक्की तैयार करेंगे और टिक्की का साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं। और ये जी हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इस मसाले से तकरीबन 7 से 8 आपके कबाब आराम से बन जाएंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, अंडों को फेंट लेंगे। पैन में मैंने ऑयल डाला है, ऑयल जब ये गर्म हो जाएगा तो हमने इस तरीके से अंडे में डिप करना है कबाब को और ये फिर जी इसमें डाल देंगे। आंच को मैंने मीडियम कर दिया है ताकि हमारे जो कबाब हैं ये जले नहीं। अब 2-2 मिनट बस हमने कलर देना है, 2 मिनट एक साइड पे रखेंगे। जब एक साइड पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें, ये बस बेहतरीन सा कलर चाहिए। सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस हमने दोनों तरफ से कलर देना है। मैंने साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें भी फ्राई होने के लिए रख दी हैं। ये बड़ी मज़ेदार लगती हैं पुलाव के साथ। मैं अलग से इन हरी मिर्चों को सर्व करूँगी। और ये देखें जी, दोनों तरफ से बेहतरीन कलर आ चुका है। 2-2 मिनट मीडियम आँच पर हमने इनको पकाया है और जब ये कलर आ जाएगा तो जी कबाब हमारे यहाँ ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं, आलू के टिक्का कबाब। आप चाहें तो जो चिकन जब हमने मैरिनेट किया था तो आप वहाँ पे इसको स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं दिया। और ये हरी मिर्चें अभी हो रही हैं, इनको मैं थोड़ा सा और होने दूंगी, अच्छा सा गोल्डन कलर आने दूंगी। ये हो रही हैं, यहाँ पर जी हम चीज़ों को सर्व करेंगे। तो सबसे पहले जो पुलाव हमने दम पर रखा था, इसका ढक्कन हटाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, क्या ही खिलता हुआ और खुशबूदार हमारा पुलाव। सिर्फ साबित मसाले डाले हैं और इस वक्त जो खुशबू आ रही है, क्या ही बात है। और ये देखें, एक एक दाना जो है हमारा माशाल्लाह से खिला हुआ है। अब देखें, अगर आप 4 कप बासमती चावल लेती हैं, उसको आधा घंटे के लिए आप भीगने के लिए रख दी हैं, तो आप पानी तकरीबन 4 से 5 कप इसमें डालें। और अगर आप बासमती चावल लेती हैं और इसको 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रखती हैं, तो फिर पानी आप उतना डालें जितना आज मैंने चावलों में डाला है। चावल जब ज़्यादा भीगे हुए होते हैं ना, तो तब आप पानी ज़्यादा ना डाला करें, चावल नरम हो जाते हैं। सिंपल सा मेन्यू है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। प्याज टमाटर वाला रायता बनाया है और ये जी गर्मा गर्म हमारे टिक्का आलू कबाब आ गए हैं। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे रखा है अचार। कबाब इतने चटपटे हैं और पुलाव इतना मज़ेदार है कि आपको इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कबाब मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखिए, रेशे वाले मज़ेदार चटनी कबाब आज से पहले आपने नहीं बनाए होंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करने हैं। और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये मज़ेदार सा मेन्यू ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।